चमनपुर गांव में एक सुंदर सा बाग था जिसमें खूब सारे हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत पेड़ थे। गांव के सभी लोग उस बाग में घूमने टहलने जाते और उसकी मनमोहक हवा और खुशबू का आनंद लेते। साथ ही बच्चे वहां खेलते और झूला झूलते। यह सब देखकर बाग के पेड़ भी बहुत आनंदित होते। लेकिन कहते हैं ना कि खूबसूरत चांद में भी दाग होता है, उसी तरह इस बाग में भी खूबसूरत पेड़ों के बीच एक बहुत ही बदसूरत पेड़ था। अरे अरे, कितना बदसूरत पेड़ है! अरे बच्चों, उधर मत जाओ, बहुत ही भयानक और बदसूरत दिखाई दे रहा है ये पेड़। इसे देखकर तो दिन ही खराब हो जाए। पापा पापा, ये पेड़ इतना बदसूरत क्यों है? पता नहीं बेटा, ये तो भगवान ही जाने, या फिर ये पेड़। चलो बच्चों, दूसरी तरफ चलते हैं। तभी दो औरतें वहां से निकलती हैं। अरे दीदी, इस बाग में आकर मन कितना आनंदित हो जाता है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बहन, बिल्कुल सही कहा। तभी उसकी नजर उस बदसूरत पेड़ पर पड़ती है। अरे बहन, देख वो क्या है, चलो पास चलकर देखते हैं। अरे दीदी, ये तो पेड़ है, दूर से मुझे लगा कोई भयानक भूत है, कितना बदसूरत और भयानक पेड़ है। हाँ बहन, चलो यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं, बड़ा ही मनहूस और बदसूरत दिखाई दे रहा है ये पेड़। इतना कहकर वो दोनों औरतें भी वहां से चली जाती हैं। पेड़ के बदसूरत होने के कारण सब उसे मनहूस समझते, सब उससे घृणा करते और उसे बुरा भला कहते। अरे देखो देखो, अभी तक हम सभी इसे बदसूरत और मनहूस कहते थे, अब तो इंसानों ने भी इसे बदसूरत कहना शुरू कर दिया है। अरे अरे, ये पेड़ इतना बदसूरत है ही, तो कोई कर भी क्या सकता है, बदसूरत को बदसूरत ही तो कहेंगे। इस मनहूस पेड़ की वजह से पूरे बाग की शोभा खराब हो जाती है और सबसे ज्यादा परेशानी तो हम लोगों को होती है। आखिर हम लोग इस बदसूरत पेड़ के पास जो हैं, रोज सुबह होते ही इस बदसूरत पेड़ की सूरत जो दिखाई पड़ जाती है और मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। काश हम भी इंसानों की तरह चल सकते तो हम कहीं और जाकर खड़े हो जाते, इस बदसूरत पेड़ की सूरत नहीं देखनी पड़ती। हाँ चंपा रानी, तुम सही कह रही हो, तुम ही इस पूरे बाग को अपने फूलों से महकाती हो, पर फिर भी यहाँ कोई इंसान और उनके बच्चे खेलने नहीं आते, न ही झूला डालते हैं, कोई इंसान हमारे पास नहीं आता, सब इस बदसूरत पेड़ की वजह से। इस बदसूरत पेड़ को कोई काटता भी नहीं जो इस बाग की शोभा बढ़ जाए। हाँ बरगद अंकल, आप सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, सारे बाग में खुशबू मेरी वजह से रहती है और मेरे पास ही कोई इंसान नहीं आता, सिर्फ इस बदसूरत पेड़ की वजह से। मनहूस बदसूरत पेड़। सभी की बातें सुनकर बदसूरत पेड़ बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, यह तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है, आखिर मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ, क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई भी इंसान अपने बच्चों को मेरे पास खेलने नहीं भेजता, कोई भी मेरी टहनियों में झूला नहीं डालता, कोई भी मुझे देखना तक पसंद नहीं करता, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया भगवान। यह सभी बातें पास में ध्यान में बैठा साधु सुन रहा था। तभी साधु उस बदसूरत पेड़ से कहता है, पेड़ तुम दुखी मत हो, इस संसार में जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है और उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह ही होती है, तुम इतने भी बदसूरत नहीं, अपने आप को कोसना बंद करो और अपने आप पर भरोसा रखो, दुखी मत हो। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला जाता है और अगले दिन बाग में दो लकड़हारे आते हैं। लकड़हारों को देखकर पेड़ कहते हैं,
अरे चंपा रानी, देखो लगता है तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बाग में लकड़हारे आए हैं इस बदसूरत पेड़ को काटने। अच्छा है, कम से कम इस बाग की शोभा तो बढ़ेगी। पूरे बाग में मनहूसियत फैलाता है ये पेड़। उन पेड़ों की बातें सुनकर बदसूरत पेड़ डर जाता है कि वे लकड़हारे उसके बदसूरत होने के कारण उसे काट देंगे। अरे भाई, हमारे पास आज शाम तक का ही वक्त है। मालिक ने कहा है वे इस जगह पे कोई बड़ा कारखाना लगाएंगे। हम दोनों को मिलकर आज शाम तक सारे पेड़ काटने हैं। इतना कहकर वे दोनों पेड़ काटना शुरू करते हैं और शाम तक बाग के सारे पेड़ काट देते हैं। फिर उस बदसूरत पेड़ की बारी आती है, तभी अचानक वहाँ सेठ आ जाता है। अब रहने दो, उस पेड़ को काटने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे सब चले जाते हैं। यह सुनकर बदसूरत पेड़ बहुत खुश होता है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना बदसूरत बनाने के लिए। साधु ने सही कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वे सब पेड़ भले ही खूबसूरत थे पर बहुत घमंडी भी थे। गगनपुर गांव में अचानक फैली महामारी ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। गांव के ज्यादातर व्यक्ति महामारी से ग्रसित हो गए। गांव के सभी लोग मदद की उम्मीद से मुखिया के पास जाते हैं। मैं जानता हूं आप सब गांव में अचानक फैली इस महामारी से परेशान हैं। हाँ मुखिया जी, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तभी रोते हुए एक औरत आती है। क्या हुआ बेटी? मुखिया जी, मेरा बेटा नहीं रहा, अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। मुखिया जी, ये तो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। क्या इस समस्या का कोई इलाज नहीं? मुझे लगता है इस महामारी का इलाज अब उन्हीं साधु महाराज के पास मिलेगा। मुखिया जी, आप किस साधु महाराज की बात कर रहे हैं? बेटा लखन, एक बार मैं पास के गांव में किसी काम से गया था, तब मैं उस साधु से मिला था। वे बहुत ही ज्ञानी साधु हैं। मुझे पूरा विश्वास है उनके पास इस समस्या का हल जरूर होगा, पर मैं अब इतनी दूर नहीं चल सकता। मुखिया जी, आप मुझे साधु महाराज का पता बताइए, मैं जाऊंगा उनके पास। ठीक है, पर बेटा लखन, अकेले जाना ठीक नहीं, तुम गोविंद को भी अपने साथ ले जाओ। मुखिया जी के बताए पते पर गोविंद और लखन दूसरे गांव साधु महाराज के पास जाते हैं और गांव की समस्या के बारे में साधु महाराज को बताते हैं। ये तो काफी गंभीर समस्या है। जिस महामारी के बारे में तुम बता रहे हो, उसका इलाज सिर्फ उस जादुई पेड़ के पास ही है। साधु महाराज, आप किस जादुई पेड़ की बात कर रहे हैं? बेटा, यहाँ से दूर झरने के पास एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ में जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी को पास के झरने के पानी में मिलाकर जिसे भी पिलाओगे वह निरोग और स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखन और गोविंद जादुई पेड़ की तलाश में जाते हैं। काफी देर तक चलने के कारण थक कर वे एक जगह पर रुक जाते हैं। भाई लखन, चलते चलते बहुत थक गया हूँ, पता नहीं और कितनी दूर चलना पड़ेगा। भूख भी लगी है। मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक कर कुछ खा लेते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है गोविंद, जैसा तुम कहो। दोनों वहीं रुककर खाना खाते हैं और आराम करते हैं। अगर वो जड़ी बूटी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लखन, मैं सोच रहा हूँ उस जड़ी बूटी से गांव में अपना धंधा शुरू करें। सोचो हमें कितना फायदा होगा। हम इतनी मेहनत से उस दवा को हासिल कर रहे हैं, इसका कुछ तो लाभ हमें मिलना ही चाहिए। नहीं गोविंद, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारे गांव के लोग हमारे अपने हैं और वे मुसीबत में हैं। ऐसे में तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो? थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फिर चलते हैं। चलते हुए गोविंद सोचता है, अरे ये लखन तो बहुत बड़ा समाज सेवी है, ये तो सभी को दवा फ्री में दे देगा।
पर मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। लखन, मुझे बहुत प्यास लगी है, वो देखो सामने कुआं है, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है गोविंद, चलो पानी पी लेते हैं। तभी गोविंद अचानक लखन को धक्का देता है, लखन कुएं में गिर जाता है। लखन, तुम क्या सोच रहे थे, तुम सभी को फ्री में दवा बांट दोगे और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? नहीं। इतना कहकर गोविंद वहां से चला जाता है और झरने के पास पहुंच जाता है। गोविंद झरने के पास उस जादुई पेड़ को देखता है, लगता है यही वो जादुई पेड़ है जिसके बारे में साधु बता रहे थे। गोविंद जादुई पेड़ के पास जाता है, उस जादुई पेड़ में एक दरवाजा होता है जो खुल जाता है। गोविंद उसके अंदर जाता है। गोविंद देखता है सामने जड़ी बूटी रखी है और वही पास में खूब ढेर सारा सोना भी होता है, जिसे देख गोविंद लालच में आ जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना, जब मुझे सोना ही मिल गया तो मैं इस जड़ी बूटी का क्या करूँगा, मुझे तो सोना ही चाहिए। मैं माला माल हो गया। गोविंद जैसे ही सोने को हाथ लगाता है, गोविंद पत्थर का बन जाता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, लालची व्यक्ति, ये तेरे लालच की सजा है, तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं। बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। तभी एक व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजरता है और वह बचाओ बचाओ की आवाज सुनता है। अरे ये आवाज कैसी है, कहीं ये आवाज इस कुएं से तो नहीं आ रही। वह व्यक्ति लखन को कुएं में गिरा हुआ देखता है और कुएं में रस्सी डालकर लखन को बाहर निकाल लेता है। लखन उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस जादुई पेड़ के पास जाता है। तभी जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है, लखन पेड़ के अंदर जाता है। लखन को भी जड़ी बूटी और खूब सारा सोना दिखाई देता है। लखन बिना लालच किए जड़ी बूटी उठा लेता है। तभी लखन गोविंद को देखता है, अरे गोविंद ये क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये इसके अधिक लालच का परिणाम है। लखन तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसलिए तुमने सोना नहीं दवा उठाई और इसने दवा नहीं सोना उठाया, इसीलिए ये पत्थर का हो गया। जादुई पेड़, मेरे दोस्त को माफ कर दो और वो अब ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। तभी गोविंद सही हो जाता है, लखन मेरे मित्र मुझे माफ कर दो, मैं लालची और स्वार्थी हो गया था। लखन गोविंद को माफ कर देता है और दवा लेकर दोनों गांव चले जाते हैं।